आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी, श्री जीतन राम मांझी जी, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, मंच पर उपस्थित एनडीए गठबंधन के तमाम नेतागण और यहाँ लाखों की संख्या में उपस्थित बहनों और भाइयों, मित्रों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को देखकर बिहार के गठबंधन को तोड़ दिया था और आज उसी मुख्यमंत्री को फूलों का गुलदस्ता लेकर हवाई जहाज की सीढ़ियों के नीचे नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए खड़े होकर इंतजार करना पड़ा था। मेरे बहनों और भाइयों, जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी जी का अपमान करके और भोज को रद्द कर दिया था, आज वो रेड कारपेट बिछाकर नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करने के लिए मजबूर हुए थे। मेरे बहनों और भाइयों, जो लोग ये कहते हैं कि नरेंद्र भाई को 13 महीने के बाद बिहार याद आया है, मेरे बहनों और भाइयों, मनमोहन सिंह 10 साल देश के प्रधानमंत्री थे, 10 साल में एक बार मुजफ्फरपुर नहीं आए, एक बार पटना नहीं आए और 7 साल के बाद कुछ देर के लिए और कोसी के बाढ़ पीड़ितों के बीच में आए थे। मेरे बहनों और भाइयों, बिहार के मुख्यमंत्री गए थे दिल्ली अरविंद केजरीवाल को आमंत्रित करने के लिए कि बिहार के चुनाव में मेरी मदद कीजिए। ऐ दुनिया वालों, में बताना चाहता हूं, अब बराक ओबामा भी आ जाए और नवाज शरीफ भी आ जाए तो बिहार के अंदर बीजेपी गठबंधन की सरकार को बनने से कोई टोक नहीं पाएगा। मेरे बहनों और भाइयों, कुछ लोग कहते हैं कि मंडल से हम कमंडल को तोड़ देंगे। लालू जी, वो पुराने जमाने की बात हो गई जब मंडल आपके साथ था, कमंडल हमारे साथ था। आज मंडल भी हमारे साथ है, आज कमंडल भी हमारे साथ है, आज रामविलास पासवान भी हमारे साथ है, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा भी हमारे साथ है। मेरे बहनों और भाइयों, बिहार बदलाव चाहता है, बिहार परिवर्तन चाहता है, बिहार एनडीए की सरकार चाहता है। और जो लोग एक दूसरे को विषैला सांप और जहर कह रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ, विषैले सांप के जहर को झाड़ने का मंत्र केवल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के पास है। मेरे बहनों और भाइयों, इनका इतिहास विश्वासघात का इतिहास रहा है। इन्होंने, नीतीश कुमार ने लालू यादव को धोखा दिया, नीतीश कुमार ने 17 साल के बाद बीजेपी को धोखा दिया, नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को धोखा दिया। कौन करेगा इन पर एतबार जब मांझी से छीन लिया पतवार, जब जिस व्यक्ति को 9 महीने मुख्यमंत्री बनाकर जिसके हाथ से पतवार छीन लिया, कौन उस पर विश्वास करेगा। मेरे बहनों और भाइयों, मैं आज आपसे एक ही अपील करने के लिए आया हूं कि केंद्र में आपने नरेंद्र मोदी की सरकार बना दिया, बिहार में भी एनडीए गठबंधन की सरकार बनाइए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आप हम लोगों को सेवा करने का मौका दीजिए। 10 वर्षों 5 वर्षों के भीतर बिहार का एक घर नहीं बचेगा जिसको 24 घंटा बिजली पहुंचा कर नहीं दिखलाएंगे। मेरे बहन और भाइयों, 5 साल के अंदर एक गांव नहीं बचेगा जिसको पक्के घर से जोड़ कर नहीं दिखलाएंगे। मेरे बहन और भाइयों, मौका दीजिए हम लोगों को, हम विश्वास दिलाते हैं, हम किसी को छोड़ कर नहीं चलेंगे, हम सबों को साथ में लेकर चलेंगे। मेरे बहन और भाइयों, मौका दीजिए हम लोग को, 10 साल के अंदर बिहार को हरियाणा, पंजाब और गुजरात के समान बनाकर दिखलाएंगे। आइए मेरे बहन और भाइयों, तभी बढ़ेगा बिहार। ये बिहार इस महागठबंधन से नहीं बढ़ेगा, तभी बढ़ेगा बिहार जब होगी एनडीए की सरकार। तो आइए मेरे बहन और भाइयों, आज सब लोग संकल्प लें कि सरकार को हटाएंगे और 3 महीने के बाद होने वाले विधानसभा के चुनाव में हम एनडीए गठबंधन की सरकार बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।